बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। इस नए कॉन्ट्रैक्ट में कई खिलाड़ियों की चांदी हुई तो कई खिलाड़ी इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी हो गए। और इन सब के बाद अब ये माना जा रहा है कि जो खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए हैं उनके करियर पर भी अब तलवार लटकी हुई है। बीसीसीआई के इस एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में चार कैटेगरी होती है, ए प्लस, ए, बी और सी, जिसमें ए प्लस कैटेगरी वालों को 7 करोड़ रुपए सालाना, ए कैटेगरी वालों को 5 करोड़ रुपए सालाना और बी कैटेगरी वालों को 3 करोड़ रुपए सालाना मिलता है, जबकि सी कैटेगरी वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। इन सभी कैटेगरी से कुल 7 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, जिसमें 6 खिलाड़ियों के करियर पर अब तलवार लटके जाने का डर भी है। इस लिस्ट में पहला और दूसरा नाम है अजिंक्य रहाणे और ईशांत शर्मा का। बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा सहित भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, विद्यमान साहा और दीपक चहर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि बोर्ड अब इन खिलाड़ियों में भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य नहीं देख रहा है। अजिंक्य रहाणे की बात करें तो उन्होंने पिछला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में खेला था। ये टेस्ट मैच 11 जनवरी साल 2022 में खेला गया था। इसके बाद से अजिंक्य रहाणे ने अब तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। रहाणे अब 34 साल के भी हो चुके हैं, तो ऐसे में टेस्ट टीम में उनकी वापसी करना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं ईशांत शर्मा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ईशांत शर्मा ने भारत के लिए पिछला टेस्ट मैच कानपुर में साल 2021 में खेला था और उसके बाद से वो टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए हैं। इस तरह भारत के लिए 105 टेस्ट मैचों में 311 विकेट लेने वाले 34 साल की ईशांत शर्मा को भी सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया है और अब उनकी वापसी भारतीय टीम में होगी या नहीं, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो गया है। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार अपने पूरे करियर के दौरान कई बार चोट के चलते परेशान रहे हैं। भुवनेश्वर आईपीएल 2023 में खुद को साबित करना चाहेंगे, हालांकि बोर्ड ने उन्हें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। भुवनेश्वर ने पिछला अंतर्राष्ट्रीय मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में साल 2022 में खेला था। इसके बाद से वो टीम इंडिया में नजर नहीं आए हैं। अब भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2023 में अपने आप को साबित करना चाहेंगे। इनके अलावा मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मयंक अग्रवाल की बात करें तो मार्च 2022 में उन्होंने अपना आखिरी मैच टेस्ट फॉर्मेट का खेला था, उसके बाद से वो टीम से बाहर चल रहे हैं। वहीं हनुमा विहारी की बात करें तो जुलाई 2022 के बाद से वो भी टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं। हालांकि इस लिस्ट में एक नाम ऐसा शामिल है जो कि पूरे दमखम के साथ में टीम इंडिया में वापसी कर सकता है और वो है दीपक चहर। चोट के चलते दीपक चहर काफी लंबे समय से क्रिकेट से बाहर चल रहे थे। ऐसे में आईपीएल 2023 में दीपक चहर अगर अपने आप को साबित करते हैं तो टीम इंडिया में वो जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आईपीएल 2023 का ये सीजन अगर दीपक चहर के लिए अच्छा जाता है तो इस साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए वो टीम इंडिया का हिस्सा हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की हर खबर के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना न भूलें।